हर दिन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। महाभारत तो हर युग की अटल जरूरत है, बन के अर्जुन सच्चाई से जंग तुम्हें लड़नी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की 92 में। दोस्तों सफलता 10 के दम के इस चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं आयु संबंधी प्रश्नों का जो है जबरदस्त सॉल्यूशन। दोस्तों 10 प्रश्न ही हम बताते हैं, 10 प्रश्न वो 10 प्रश्न होते हैं जो आपको रेलवे एग्जाम में बेरा पार लगा देगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, 10 प्रश्न को आप स्किप करके रोकिए और सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन खुद निकाल करके देखिए और देखिए कि आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। यही प्रश्न पूछा गया है और इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है देखिए जरा, चार मित्रों रिलेशन यानी एज रिलेशनशिप जो है उसको आज हम बता रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न यह है कि चार दोस्त हैं, चार मित्र हैं जिनकी आयु का योग 56 वर्ष है। कितना है? 56 वर्ष है। कहता है उनकी आयु का अंतर जो है वह क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का अंतर है। तो सबसे बड़े की आयु क्या होगी? यदि चार मित्र हैं, ये आपको पता है कि 1, 2, 3 और 4 मित्र हैं। ठीक है, चार मित्र हैं। अब इनमें चारों का जो आयु दिया हुआ है, चारों के आयु का योग 56 है। तो अगर हम औसत निकाले दोस्तों, देखिए समान रूप से अंतर वाले जब प्रश्न दिए रहेंगे कि चार वर्ष यानी चारों के जो आयु में समान रूप से अंतर 4 वर्ष दिया गया है, तो यह इस तरह का समान चाहे 2 वर्ष अंतर हो, 1 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले औसत आयु निकाल लीजिए। जैसे 56 वर्ष है चारों का, 56 तो 4 से भाग लगा दीजिएगा तो 14 वर्ष जो हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? एवरेज आयु हो जाएगा। ठीक है, एवरेज हो जाएगा। अब यहां है कि चार मित्र हैं। ठीक है, चार मित्र हैं। यहां समझने वाली बात क्या है, देखिए चार मित्र हैं। अब यहां पर कहता है कि चारों में 4-4 वर्ष का अंतर भी है और 56 भी हो जाना चाहिए। तो 56 जो हो जाएगा दोस्तों, ये जो 14 आया ये ठीक इधर आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4-4 वर्ष का अंतर लेंगे तो 2 वर्ष पीछे आ जाइए इसमें, कितना हो जाएगा 12, और 2 वर्ष आगे चल जाइए कितना हो जाएगा 16, फिर 2 वर्ष इधर आ जाइए इसमें कितना हो जाएगा, ये आपका ये 4 वर्ष अब कम कर देंगे 8 हो जाएगा, और यहां 4 वर्ष बढ़ जाएंगे 20 हो जाएगा। अब आप देखिए तो 20, 16, 36, 36, 12 कितना हो जाएगा 48, और 8 कितना हो जाएगा 56, चारों का आयु हो जाएगा 56, और सबसे जो अधिकतम सबसे बड़ा वाला जो हो जाएगा ये आपका 20 वर्ष का हो जाएगा। 20 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए जिससे उन लोगों तक भी वीडियो पहुंच जाए और वो भी अपना बेनिफिट इसका उठा पाए। 10 प्रश्न और सारे अलग अलग टाइप। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए कहा जाता है कि अपनी कमजोरी उन्हें ही बताएं जो आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा हो, हर हाल में आपके साथ मजबूती से खड़ा हो, वरना रिश्ते और मोबाइल में अगर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। ये बात की सच्चाई है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए जरा, 10 प्रश्न ही मात्र कराने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त देखिए, और यही है जो एग्जाम में बेरा पार लगाएगा। 9 विद्यार्थी तथा उसके शिक्षक की आयु जो औसत आयु है वो 16 वर्ष है, तो 9 विद्यार्थी प्लस 1 शिक्षक कुल मिलाकर के 10 हो गए, और 10 जो हो गया इसका जो कुल आयु अगर हम ज्ञात करेंगे, कुल आयु वो कितना हो जाएगा, 10 × 16 = 160। समझ में आया कि नहीं आया? 9 विद्यार्थी और 1 शिक्षक, कुल 10, औसत आयु 16 है, तो कुल हो जाएगा जो आयु का योग हो जाएगा वो 16 × 160 हो जाएगा। अब यहां देखिए कि प्रथम 4 विद्यार्थी की औसत आयु 19 वर्ष है, 4 जो स्टूडेंट है तो 19 × 4 = 76 हो गया, तथा अंतिम 5 की औसत आयु 10 वर्ष है, जो 5 स्टूडेंट है फिर उनकी यानी कि कितना हो जाएगा, ये 10 वर्ष है, 10 × 5 यानी 50 वर्ष है। तो स्टूडेंट जो 9 हमारा हो गया तो कितना हो गया, ये 7, 5, 12 यानी 126। 9 स्टूडेंट और 1 शिक्षक मिलाकर के 10 का औसत आयु 160 है, और यहां पर देख लीजिए 9 स्टूडेंट का 126 है तो बच कौन गया, शिक्षक ही ना। अब शिक्षक के लिए ये अंतर निकाल लीजिए, 160 में 26 में यानी 34 वर्ष हो जाएगा वो आपका शिक्षक की आयु आंसर। 34 वर्ष किसकी आयु हो जाएगी, शिक्षक की आयु हो जाएगी। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया मित्रों? अगर समझ में आ गया हो तो जरूर अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन क्या कहता है अगला, अगला क्वेश्चन ये है, देखिए ये कहता है 16 वर्ष पहले मेरे पिता की आयु उस समय के मेरे आयु की 9 गुनी थी, 9 गुनी थी, यानी जब 16 वर्ष पहले की बात होगी, देखिए दोस्तों 16 वर्ष पूर्व की बात अगर होगी, हम पूर्व की बात करेंगे, तो जो मेरा आयु है अगर एक है तो मेरे पिता की आयु जो होगी वो 9 हो जाएगी, ठीक है, वो 9 गुनी हो जाएगी। अच्छा अब देखिए था, अब से 8 वर्ष बाद, यानी 16 वर्ष पहले और अब से 8 वर्ष बाद का क्या मतलब हुआ, 16 वर्ष पहले और 16 वर्ष आइएगा तो वर्तमान में आइएगा, और 8 वर्ष बाद मतलब 8 और आगे जाना है तो 16 और 8 कुल मिलाकर 24 वर्ष का डिफरेंस हो गया, यहां पर कितना हो गया 24 नहीं हुआ, 16 वर्ष पहले तो अभी वर्तमान माने के लिए 16 वर्ष और उसके बाद 8 वर्ष बाद यानी 8 वर्ष और बढ़ने हैं तो 16 8 कुल मिलाकर के 24, यानी 24 वर्ष अगर हम बाद बात करेंगे दोनों में 24 वर्ष दोनों में बढ़ेगा, आयु तो समान रूप से ना बढ़ता है, बच्चे जन्म ले लिए उसके बाद तो समान रूप से बढ़ेंगे, तो यह कहता है 24 यानी 24 हो जाएगा, उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी जो मेरी आयु है इनकी आयु ये जो हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब इसी को आप हल कर लेंगे, कैसे हल करेंगे, देखिए ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 9 एकम 9 और 3 एकम 3, तो 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा 6 यूनिट के बराबर हो गया, कितने हो गया 6 यूनिट के बराबर। अब यहां 24 3 72 और 24 एकम 24, 24 3 72, अब इसको लेना है ये दोनों को, ये दोनों लेना है, ठीक है, 24 दूनी कितना, ये 24 3 72 और 24 एकम 24, 72 में 24 का कितना हो जाएगा 48, यानी 6 यूनिट बराबर हो गया 48, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपको बताइए 8, 1 यूनिट जब 8 है तो मेरी आयु एक अनुपात है 16 वर्ष पहले तो 8 एकम 8 हो जाएगा और पिता की आयु जो हो जाएगी 9 8 72 हो जाएगा, ये मैं हूं, ठीक है, ये क्या है मैं हूं और ये क्या है फादर है, नहीं। अब यहां देखिए कहता है कि 8 वर्ष पहले मेरी आयु, ये जो आयु आया है दोस्तों देखिए तो 16 वर्ष पूर्व की आया है, लेकिन प्रश्न कहता है कि 8 वर्ष पूर्व क्या होगा, 8 वर्ष पूर्व यानी 16 वर्ष पूर्व है, 8 वर्ष पूर्व मतलब 8 तो और हमको बढ़ना न पड़ेगा, यानी 8 इसमें जोड़ दीजिए, 8 इसमें जोड़ दीजिए तो 8 8 16 हो गया मेरा और 80 हो गया मेरे पिताजी का, 16 एकम 16 और 16 5 80, तो 1:5 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1:5, एक भी टाइप हम छोड़ने वाले नहीं है, सारे वही टाइप, यानी हमने लिखा ही है दोस्तों देखिए सफलता 10 के दम पर, तो 10 के दम पर आपको सफलता दिलवाएंगे रेलवे एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे वो ग्रुप डी होगा, पूरा कंप्लीट देखिए, वीडियो को रोक करके देखिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। देखिए समझ में आ गया होगा बिल्कुल कि ये आपका 16 वर्ष पूर्व की आयु थी, ये 24 डिफरेंस हो जाता है 16 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष बाद में 24 वर्ष का अंतर आ जाता है ये, अब ये 1:3 यानी 1 गुनी 3 गुनी हो जाता है पिता का, तो 1:3 के रेशियो में आ जाएगा, इसी को आप हल करके 1 यूनिट बराबर निकाल लिए तो 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 9 72 हो जाएगा। अब कहता है 8 वर्ष पूर्व की ही बात कहता है, ये चूंकि 16 वर्ष पहले का है, 8 वर्ष पूर्व मतलब 8 और उसमें बढ़ना पड़ेगा, तो 8 दोनों में बढ़ा दिए तो ये हमारा 1:5 रेशियो आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखिए, प्रश्न है कि क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु जो है 20 वर्ष है, अब देखिए 11 खिलाड़ी हैं और औसत आयु अगर 20 वर्ष है तो कुल मिलाकर के जो आयु हो जाएगा 11 दूनी 22 220 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा कुल आयु का योग जो हो जाएगा वो 220 वर्ष हो जाएगा। अब कहता है यदि उनके कोच को मिला दिया जाए तो 11 में एक जोड़ देंगे कोच को तो 12 हो जाएंगे, 12 सम्मिलित कर दी जाए तो उनकी औसत आयु 10% बढ़ जाती है, पहले कितना था दोस्तों बताइए 20 था, 20 का जब 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 10% बढ़ने का मतलब हो गया आपको 20 का 10% निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, बढ़ा दीजिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब यहां जरा देख लीजिए 20 का कहता है 10%, 10% यानी प्रतिशत हटाने का मतलब हो गया आपको 20 × 10/100, 2 जीरो काट लीजिए 2 वर्ष, 2 वर्ष यानी बढ़ जाता है तो 20 से 2 बढ़ जाएगा यानी 22 वर्ष हो जाएगा, जब 12 हो गया तो औसत आयु कितना हो गया 22 वर्ष हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए 12 × 2 = 24 और 12 × 2 = 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 200 यानी 64 वर्ष हो जाएगा, यानी कोच को मिलाने के बाद आयु कितना हो गया 264, यानी 11 खिलाड़ी 220 था कोच आ गया तो 264 हो गया, तो जो आयु कोच का बढ़ा वो कितना बढ़ा 44 इयर्स, कितना बढ़ा 44, 44 वर्ष कोच की आयु निकल गया, निकल गया, ये आपका आंसर। दोस्तों कहा जाता है कि
इंसान का पतन तब हो जाता है, इंसान का पतन तब हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है, अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि 5 वर्ष पहले जय, बीरू और बसंती की औसत आयु 25 वर्ष थी। याद होगा जय, बीरू और बसंती, नहीं देखिए, एवं 7 वर्ष पहले बीरू और बसंती की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो जय की आयु ज्ञात कीजिए। आयु का मतलब वर्तमान आयु हो गया। अब देखिए यहां पर, यहां 3 लोग हैं, जय, वीरू और बसंती। तो यहां पर आपको जय, वीरू और बसंती जो हो गया, ठीक है, इसकी औसत आयु दी गई है 25, तो कुल जो आयु हो जाएगा वो 25 थी 75 हो जाएगा, क्योंकि 3 आदमी है, कुल आयु का योग 75 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए यहां 7, अच्छा एक चीज और देखिए, ये 5 वर्ष पहले है तो वर्तमान में आने के लिए 5 5 वर्ष तीनों का बढ़ा, तो 5 3 15 वर्ष, यानी 15 ऐड कर दीजिएगा तो 90 हो जाएगा तीनों का वर्तमान आयु, तीनों का वर्तमान तो हो गया 90 वर्ष। चलिए अब आते हैं यहां पर, बात करते हैं आगे, देख लीजिए यहां कहता है 7 वर्ष पहले बीरू और बसंती, बीरू और बसंती की जो 7 वर्ष पहले की औसत आयु है वो 20 है, तो क्या हो जाएगा 20 दूनी 40 वर्ष इसका योग हो गया, और चूंकि 7 वर्ष पहले है तो 7 7 वर्ष दोनों बढ़ेगा तब तो वर्तमान में आएगा ना, तो 7 दूनी कितना बढ़ जाएगा, ये 14 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 54 वर्ष, कोई दिक्कत। अब देखिए ये भी इसका आ गया दोनों का वर्तमान, अब 2 लोगों का वर्तमान 54 है और 3 लोगों का 90 है, तो ये तो आप समझ रहे हैं ना डिफरेंस कितना हो जाएगा, 54 6 60 30 90, यानी 36 वर्ष हो जाएगा वर्तमान आयु किसका, तो जय का, जय का वर्तमान आयु कितना होगा मित्रों, कितना हो जाएगा ये आपका 36 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या कहता है, देखिए जरा प्रश्न ये है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, तथा 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न ये है देखिए कि राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या 4:5 क्या है, 5 है, ये क्या है वर्तमान आयु। अच्छा देखिए 5 वर्ष बाद तो दोनों में 5 वर्ष जुड़ जाएगा, 5 वर्ष बाद यह अनुपात जो हो जाता है वो 5:6 के अनुपात में हो जाता है। अब इसको अभी जस्ट हमने पहले प्रश्न एक प्रश्न बताया था इससे पहले आपको कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे पहले, ठीक है, ऊपर नीचे बीच वाले के छोड़ के 5 25 6 6 24, यानी कितना बचा, 1 यूनिट बचा। ठीक है, अब 1 यूनिट जो बचा, अब उसके बाद यहाँ की क्या कीजिएगा, ई दोनों में कर दीजिए 5 6 30 और 5 25, तो 1 यूनिट बराबर कितना बच गया, यहाँ 5 6 30 और 5 25, अंतर कितना हो गया, 5 का अंतर हो गया, तो 1 यूनिट बराबर 5 हो गया। तो अब आपको कहता क्या है, राम और श्याम, श्याम चाहिए तो श्याम आपको यह है वर्तमान में, राम यह है, 1 यूनिट 5 है तो 5 25 वर्ष हो गया श्याम का, क्या हो गया 25 वर्ष। अगर राम का पूछता तो यही 5 6 20 वर्ष हो जाता, क्लियर है, 5 6 20 वर्ष हो जाता। ठीक है, देखिए एक शोध से पता चला है कि आदमी को अभी के जो वर्तमान जो परिवेश चल रहे हैं, जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा वातावरण है, उसके अनुसार आदमी को कम से कम प्रत्येक दिन जो है सो 10 मिनट दौड़ लगाना चाहिए। अगर आप 10 मिनट दौड़ लगाते हैं, दौड़ना रनिंग करना, ठीक है, क्या करना है, रनिंग करना, अगर 10 मिनट रनिंग करते हैं तो समझ लीजिए आपके शरीर जो है, आपका शरीर का जो स्वास्थ्य लाभ है वो आपको 30 मिनट के बराबर देता है। आपका शरीर बहुत ही ऊर्जावान होता है और आपका जो है सो समझ लीजिए कि 30 मिनट प्रत्येक दिन आयु में इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसलिए दौड़िए, दौड़ लगाना, एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। अगला देखिए प्रश्न हमारा क्या कहता है कि दो आदमी की आयु का अनुपात 5:6 है, 2 वर्ष बाद 7:8 हो जाता है, तो 12 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। अब सवाल यह है कि 5:6 जो है यह वर्तमान दिया गया है, वर्तमान आयु, अब 2 वर्ष बाद यानी प्लस दो कर लीजिए, यह आपको 7:8 हो जाता है, कितना हो जाता है। अब लीजिए इसी को हल कर लीजिए, क्या 8 5 40 7 6 42, यानी हो गया 2 रेशियो बराबर, देखिए 8 2 16 7 2 14, तो कितना हो गया 2 रेशियो बराबर हो गया 8 2 16 और 7 2 14, 2 का अंतर 2, यानी 1 रेशियो बराबर क्या हो गया आपका, 1 रेशियो बराबर क्या हो गया, 1 मात्र 1 हो गया। तो यहाँ पर जो आपका आयु हो गया ये यही 5 1 5 हो जाएगा वर्तमान आयु, जो आपका पहला आदमी है उसका 5 और जो दूसरा आदमी है उसका 6 रह जाएगा। तो प्रश्न कहता है 12 वर्ष बाद दोनों में आप 12 जोड़ देंगे, इसमें भी 12 जोड़ दीजिए, इसमें भी 12 जोड़ दीजिए, तो ये जो हो जाएगा 12 5 17 और ये जो हो जाएगा 12 6 18, यही रेशियो आपका आंसर हो जाएगा।
समझ में आया दोस्तों? समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। काफ़ी मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं लेकिन आप लोग थोड़ा सा पता नहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा तो हमें भी अधिक, समझ लीजिए कि आप जितना अधिक शेयर करेंगे हम उतना उत्साहित होंगे और अधिक से अधिक हम मेहनत करके आपके लिए और बेहतरीन वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या कहता है अगला। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों पूछे जाएंगे, पूछे गए भी हैं और पूछे जाएंगे भी। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि एक पति पत्नी के साथ, पति पत्नी की 4 वर्ष पूर्व शादी हुई, शादी के समय उसकी औसत आयु जो थी 27 वर्ष थी। अच्छा देखिए शादी कब हुआ है, वो 4 वर्ष पहले हुआ है और औसत आयु उस समय कितना था 27 वर्ष। तो 27 वर्ष जब था, कब था, शादी के समय में आयु 27 वर्ष था तो दोनों का जो योग होगा 27 दूनी 54 वर्ष योग होगा दोनों का, नहीं 27 औसत था। अब 4 वर्ष पूर्व था 27, ये क्या, ये कब था, 4 वर्ष पूर्व था, नहीं अच्छा 4 वर्ष पूर्व था ये, तो अभी जो हो जाएगा तो 4 वर्ष पति में भी भरा, 4 वर्ष वो पत्नी में भरा, 4 4 8 यानी कुल कितना हो जाएगा 62 वर्ष। वर्तमान आयु पति पत्नी का वर्तमान आयु कितना हो गया 62 वर्ष। अच्छा एक पुत्र को भी साथ शामिल करके उनकी जो औसत आयु होगी 21 वर्ष हो गया, तो पुत्र को किया गया तो 21 और 3 हो गया पुत्र लगा करके, तो 63 वर्ष हो गया तीनों का कुल योग, कुल योग कितना है 63। अब सीधी सीधी बात है, पति पत्नी 62 और पुत्र मिला के 63, तो जो अंतर हो गया वहीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु 1 वर्ष हो जाएगा, पुत्र की आयु आपका आंसर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह के अगर बेहतरीन वीडियो आप लगातार चाहते हैं तो थोड़ा सा अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।